Today we are going to study at chapter number 13, that is circulation of blood, standard 5 environmental studies. Okay? So first of all, what is circulation? Circulation क्या होता है? बोलते हम कि normally हम circulate कोई चीज करते हैं, circular आता है ना, स्कूल के अंदर circular आता है holidays के लिए, तो वो circular उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसे circulate मतलब यहाँ से यहाँ सब जगह होते होते घूमना है या सब जगह होते होते जाना है, ताकि क्या हो कि सबको कोई इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है या कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होती है वो सब तक पहुंच जाए। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी ऐसा ही है कि ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, कभी भी हमें चोट लगती है तो सबसे पहले क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड होता है वो बॉडी के हर हिस्से के अंदर मौजूद होता है, तो हर हिस्से के अंदर कैसे जाएगा वो ब्लड? तो एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन की बदौलत जो ब्लड होता है हमारा वो बॉडी के हर एक ऑर्गेन से होके गुजरता है, हर एक सेल से होके गुजरता है, ताकि क्या होगा कि ब्लड होगा उस प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर जो चीज जो क्या होते हैं उसे मटेरियल जो ट्रांसफर करने हैं, ओके, वो ट्रांसफर ब्लड थ्रू होते हैं। जैसे हम दवाई पीते हैं, ओके, तो हमें पेट दर्द होता है या सब कभी सर दर्द होता है, सब बोलते हैं कि जब हमें सर दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दवाई पिएंगे, तो गोली तो सीधी होके पेट में जाएगी, गोली हमारी जाएगी पेट में, तो सर कैसे ठीक होगा? बोलते हैं कैसे ठीक होगा, तो वो क्या करेगी, तो डाइजेशन होगी जिसके कारण ब्लड जो होगा हर जगह पहुंचेगी, वो तो होगा वो सर्व करेगी, हमारे हॉर्मोन होते हैं वो भी ब्लड तो हर जगह चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जैसे कि वॉच है, ओके, जैसे कि मेरे पास ये वॉच है, कभी सात राम को या अंधेरे के अंदर रात को 1-2 बजे आप खुली हो हमारी, तो हम सुनते हैं आवाज, जैसे कि घड़ी की आवाज होती है टिक 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 टिक, ऐसे घड़ी की आवाज होती है। कभी कभी हम एक दूसरे को ना ऐसे चेस्ट पे हाथ रखते हैं, चेस्ट पे से कान रखते हैं, कभी अपने दोस्त के चेस्ट पे से कान रखते सुनना तो आवाज आएगी, लब धक 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 बोलते हैं, दिल की आवाज आती है, कैसे दिल धक धक बोलते हैं, तो एक्चुअली उनकी आवाज धक धक नहीं होती, उसकी लब डब आवाज होती है, उसकी क्या होती है लब डब, क्योंकि हार्ट होता है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्सपांड करता है। जैसे आपने देखा कोई चीज फुग्गा होती है, तो जो बलून होता है एक्चुअली फुग्गा नहीं होता, जैसे गुब्बारा होता है, तो गुब्बारा होता है वो क्या करता है कि पहले फूलता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वैसे ही हमारा हार्ट होता है जो ब्लड को जो सर्कुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, कि आपने देखा होगा कि एक बॉटल होती है, सिंपल पानी की बॉटल होती है, उसके अंदर पानी भरा हुआ, फिर हम क्या करते हैं प्रेस करते हैं, तो आधा जो होल होता है बॉटल का उसके अंदर से पानी ऐसे निकलता है। हम मेरे छोटे थे तो पिचकारी लाते थे ऐसे बॉटल के अंदर, आगे से छोटा सा छेद होता था पानी भर देते थे, और वो वीक प्लास्टिक होता था, तो हम क्या करते थे ऐसे बॉटल को दबा देते, तो आगे से क्या अंदर पिचकारी निकलती थी ब्लड, सॉरी जो कलर हम डाले हुए होते हैं उसकी। तो सेम प्रोसेसिंग यहाँ होती है, जैसे कि हम देखते चलो हाँ ऐसे समथिंग पिचकारी होती थी, ओके, इस तरीके से, ओके, और फिर यहाँ पे पॉल होता था और यहाँ पे इस तरीके से पाइप, तो जैसे ही इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का कलर होगा वो कहा जाएगा यहाँ से, ओके, ऐसे ऐसे फॉर्म भी बाहर निकलेगा, ये हम करते थे नॉर्मली, ओके। So, यही प्रोसेसिंग जो होती है, जो यहाँ पे ओलिंगम होगा तो वो चीज आगे बढ़ेगी, यही प्रोसेस यहाँ पे होती है हार्ट के अंदर, और हमारा ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में, हार्ट बीट के बारे में स्टडी करते हैं। तो डॉक्टर हम जाते हैं कभी भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि वो स्टेथोस्कोप होता है, ओके, उसे हमारे चेस्ट पे रखेगा, हार्ट बीट चेक करेगा, सांस करते रहते हैं हम, तो सांस की जो रिदम होती है वो कैलकुलेट करते हैं, तो फिर घड़ी से देखते हैं। नॉर्मली एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि ये एक रिदम होता है हार्ट का, उसे कम है या ज्यादा उसे पता चल जाता है, पर नए नए डॉक्टर होते हैं वो घड़ी देखते हैं, चेक करते हैं कि कितना हार्ट बीट हो रहा है, नॉर्मली 72-72 होता है हार्ट बीट इंसान का। फिर क्या करते हैं, हाथ पकड़ के पल्स रेट चेक करते हैं, पता है कि हमारा जो हाथ होता है उसका ये अंगूठा होता है, अंगूठे के एग्जैक्ट नीचे मतलब ये वाले पोर्शन में अगर ऐसे उंगली रखे हम हल्के से, तो हमें यहाँ पे पल्स रेट हमें पता चलती है, ओके। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि पहले ऐसे नॉर्मली जब बैठे होते हो आपको अपनी पल्स रेट चेक करनी है ऐसे, ओके, कि एक मिनट में कितनी होती है, फिर आपको क्या करना है कि 15 मिनट भागना है, 10 मिनट भागना है, फिर आना, तो आपकी सांस होती है क्या होती है फूल जाएगी, यू विल बी जो आप हशिंग करोगे आप, ओके, तो आपकी सांस होगी वो फूल जाएगी, आप हशलिंग करोगे, ओके, यू विल बी You'll be having problem in breathing, okay? तो breathing problem होगी, फिर आप ये करना शुरू कर दोगे, तब क्या होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ता है ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाने के लिए, हर सेल के
अंदर पहुंचाने के लिए। हम क्या करते हैं, ब्लड होता है हमारा ज्यादा पंप होता है, ज्यादा पंप होता है तो क्या होता है, हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट बीट होगी हमारी क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। तो ये आपने देखा हुआ है। नाउ हियर साउंड परफेक्ट, या साउंड परफेक्ट करो, डिस्कस अबाउट एक्सपीरियंस। तो क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ कि भागने से पहले अगर आपने कैलकुलेट की, भागने के बाद कैलकुलेट की, तो हार्ट बीट में क्या डिफरेंसेस है। नाउ here again an activity is given, the right two names of a friend, count the heartbeats in 1 minute, write down the count heartbeats, ask your friend to run in that। तो आपको जो सेम टू सेम एक्टिविटी आपने की है वही एक्टिविटी वापस अपने 3-4 दोस्तों के साथ करना है, क्योंकि सब इंसान के साथ सेम है या नहीं है, या अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग चीज होती है। किसी का भागने के बाद हार्ट बीट कम होती है या ज्यादा होती है कैलकुलेट, पर ज्यादा ही होती है 110%। जब भागते हैं तो हमारी पल्स रेट होती है, हार्ट रेट होती है, वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कभी नहीं होगी। ओके, ये तो खाली कहने की बात है, पर वी शुड नो। ओके, तो हम ऐसे करके देख सकते हैं कि हार्ट बीट होती है वो क्यों बढ़ रही है, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब ब्लड, तो ऑब्जर्वेशंस के बारे में हमें बताया गया है कि आप ब्लड इन अ बॉडी यू कैन अंडरस्टैंड सेम लुकिंग इन अ पिक्चर, तो पिक्चर आपको दिया हुआ है। ओके, गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, लेट अस नो द नेम्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, तो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेट करना, ब्लड का सर्कुलेट होना बॉडी के एक पार्ट के अंदर से दूसरे पार्ट के अंदर। और सर्कुलेट क्या होता है, मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर सब जगह घूम के वापस उसी पॉइंट पे आता है, उसे क्या बोलेंगे हम, ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे। हार्ट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन एसोसिएशन विद द सर्कुलेटर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन अ फिश, तो हमारा हार्ट कितना होता है कि हम अपनी फिश ऐसे रखते हैं, ओके, मतलब मुट्ठी ऐसे बांध के रखते हैं, तो वो उससे हल्का सा ज्यादा होता है बड़ा, हल्का सा थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। हम बोलते हैं कि भाई दिल होता है वो बड़ा होना चाहिए, बट दिल होता है वो नॉर्मल छोटा ही होता है, वो फिश से ज्यादा साइज का होता है। उसका काम ब्लड सर्कुलेट करना है और ब्लड को पंप करना है, ज्यादा उसका कोई काम है नहीं। बट हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, बट इट्स मेन वर्क इज टू सर्क्यूलेट ब्लड इन बॉडी। ओके, नथिंग मच मोर। नाउ हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स एंड प्रोजेक्टेड इनसाइड द रिब, प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज। तो रिब केज क्या, तो आपने अपने स्केलेटन देखा होगा। ओके, तो उसके जो चेस्ट पोर्शन होता है स्केलेटन का, उसके अंदर रिब बनी होती है, मतलब हड्डियां बनी होती है, ऐसे यहाँ पे होते पोर्शन, यहाँ पे हड्डियां होती है, और वो एक पिंजरे की जैसा होता है। ओके, यहाँ पे और पीछे से 12 पैर होती है और नीचे की 2 पैर होती है, वो ऐसे होती है सीधी, मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, फ्लोटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग होती है, यहाँ पीछे से कनेक्टेड नहीं होती, बाकी जो होती है वो पीछे से कनेक्टेड होती है, तो इसे रिब केज बोलते हैं। तो अभी हार्ट इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, अगर हम रिब केज नहीं होगी, या तो फिर रिब केज की जगह पर एक ही हड्डी होती खाली अपने सर्कुलेशन, ऐसे कि बॉडी का पोस्टर रखने के लिए एक हड्डी रखी, पूरी केज रखी नहीं, अगर हम गिर जाए तो और एक हड्डी टूट गई, तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट तुरंत क्या होगा, पंप करना बंद कर देगा, पंप करना बंद कर देगा, तो इंसान मर जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन जरूरी होता है हार्ट का। तो हार्ट और लंग्स के अलावा क्या होते हैं, रिब केज होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हार्ट स्पेशलिस्ट की सैलरी ज्यादा होती है। ओके, तो रिब केज जो होता है उसके अंदर ये सब प्रोटेक्टेड होता है। रिब केज क्या होता है, तो हार्ट पिंजर जो हम बोलते हैं, स्केलेटन होता है हमारा आगे वाला पोर्शन होता है, जो पिंजरे जैसा दिखता है, अंदर से हड्डियां होती है, जो पिंजरे जैसा आपने देखा होगा कि कभी कभी शोल्डर के शर्ट होता है, यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे अगर ऐसे करके देखें तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिब्स दिखती है हमारी। ओके, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे ये इस तरीके से रिब केज है। तो पतले लोग होते हैं उनके दिखती है ज्यादा, क्योंकि वो लोग खाते नहीं, वो उनको ज्यादा खाना चाहिए, ठीक से वेल न्यूट्रिएंट खाने चाहिए, बैलेंस डाइट खाने चाहिए, ताकि उनके शरीर के अंदर थोड़ा मास ऐसा थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, फ्लैश बढ़े। ओके, नाउ हार्ट होता है वो अगर बीच में होता है, ऐसे पोर्शन में होता है, तो आवाज हमें यहाँ पे क्यों आती है, हम बोलते हैं दिल की धड़कन इस साइड लेफ्ट साइड सुनाई देती है, क्यों सुनाई देती है, तो वो होता है वो ऐसे सीधा नहीं होता, ऐसा स्लाइटली टिल्टेड होता है। ओके, तो ये वाला पोर्शन होता है हार्ट का, ये बैक वाला पोर्शन, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यही एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें इस साइड में हमारी धड़कन सुनाई देती है। ओके, नाउ ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड विद द हार्ट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। तो देखो वैसे नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं ब्लड वेसल, पर आपको पढ़ने हैं 2 टाइप। ओके, एक होता है वेन्स जो ब्लड ट्रांसफर करती है ऑर्गन से हार्ट तक, कोई भी ऑर्गन होता है वहां से हार्ट तक का ब्लड ट्रांसफर होगा वो हमेशा वेन्स से होगा, और आर्टरीज होती है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड ले जाती है। ओके, तो ये चीज आपको देखनी है।
अब तीसरा टाइप का ब्लड वेसल होता है उसे कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज होता है वो आर्टरीज और वेन का कनेक्शन होता है ओके, और बहुत छोटी छोटी होती है जो सेल तक पहुंचाती है आंखों के अंदर। कैपिलरीज मतलब कि बहुत एकदम पतली सी टैनी सी वेन्स होती है एकदम ओके, तो हमारी उंगली काटती है कैपिलरीज करती है। और ज्यादा बड़ी चीज होती है हम ऐसे काट देते हैं, हम कभी पूछ तो वो सुसाइड करना है काट देते हैं, तो वो वेन काटते हैं। क्या काटते हैं? वेन। और दो चीज होती है, ऊपर वेन होती है हम होता है हम देखते हैं यहाँ से ब्लड लेते हैं, वो होता है वो वेन के अंदर से लेते हैं ओके। तो वेन से ब्लड होता है वो इंप्योर होता है, जिससे क्या होता है कि सारी चीजों की सारी बीमारियां और सब उसके अंदर होगी, तो पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हर ऑर्गन से घूम के आया हुआ होता है ओके। और वेन के एग्जैक्टली नीचे थोड़ा क्या होता है आर्टरी होती है ओके, आर्टरी होती है वो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड ले जाती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से पहले हम हार्ट के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, हार्ट क्या है ओके। तो ये समझो कि एक रॉ डायग्राम ऑफ हार्ट है ओके, ये सिंपलर डायग्राम है, ऐसा होता नहीं है, ये सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो हार्ट का ये वाला पोर्शन होगा ओके, घर में ऐसे खड़ा रहता हूँ ओके इस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन है राइट साइड वाला और ये वाला पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला ओके। तो ये आप लिखता हूँ ये हाँ ये राइट पोर्शन है और ये वाला होगा वो लेफ्ट पोर्शन है ओके। नाउ अपर वाला पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? एट्रियम, मतलब ऊपर वाला पोर्शन होता है ये वाला, ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उसे बोलेंगे एट्रियम ओके, और नीचे वाले चैम्बर उसे बोलेंगे वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। इसे ऑरिकल्स भी बोलते हैं और इसे वेंट्रिकल भी बोलते हैं। तो ये ऑरिकल या एट्रियम या ये वाले जो नीचे वाला पोर्शन उसे बोलेंगे वेंट्रिकल ओके। तो हार्ट के कुल कितने हिस्से कर सकते हैं हम? तो देखो लिखता हूं लेफ्ट एंड राइट ओके, और ये होगा अप एंड डाउन, जिसे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये वाला है राइट साइड वाला और एट्रियम, तो इसे क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। ये राइट साइड वाला वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड वाला एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल ओके। अभी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल होता है, बोलते नहीं बोलते कि क्या किसी के हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो बोलते क्या वाल खराब हो गया इसीलिए उसके नया वाल डलवाने जाना पड़ेगा, वो तो वो होता है आर्टिफिशियल वाल्व लगाते हैं, बोलते प्लास्टिक का वाल्व लगाना पड़ेगा और सब बोलते हैं। तो ये वाल ये बहुत खतरनाक चीज होती है कि ये थोड़ा अपना टाइमिंग बिगड़ने तो इंसान तुरंत मर जाएगा। तो ये होगा वाल्व ओके। तो ऐसे दो टाइप के वाल्व होते हैं नॉर्मली ब्लड के अंदर, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा ट्राइकोस्पिड वाल्व। क्या बोलेगा उसे? ट्राइकोस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होगा उसे बोलेंगे पाइकोस्पिड वाल्व ओके। अब वाल का काम क्या होता है पता है? अपने देखा ना हवा होती है ओके, साइकिल के टायर की हवा होती है, वो वाल का क्या काम होता है कि हवा को बाहर से अंदर आने देने का और अंदर से बाहर जाने देने का नहीं ओके। तो हवा होती है वो क्या करती है, बाहर से अंदर हम प्रेस करते हैं तो टायर फूल जाता है ओके, टायर होता है वो नॉर्मली अपने जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर आ जाता है, पर अभी अंदर जो हवा ट्रैप हो गया उसे बाहर जाने देगा वो नहीं जाने देगा। तो ये चीज है जो वाल्व वही काम करते हैं, एक टाइम पे ओपन होते फिर क्लोज होते, ओपन होते फिर क्लोज होते, ओपन होते क्लोज होते ओके। इसीलिए ब्लड होगा वो प्रेशराइज करके जाएगा। नाउ अभी ऑक्सीजन ये है हमारे लंग्स, क्या है लंग्स, लंग्स का काम क्या है कि हवा के ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिलाना और ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड को वापस डालना हवा के अंदर। तो हम इसे सांस लेते बोलते हैं क्या कौन सा गैस लेते हैं सांस में, तो ऑक्सीजन लेते हैं ओके। तो हम ऑक्सीजन लेंगे, अब यहाँ से ब्लड आएगा ओके, तो यहाँ के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा और ऑक्सीजन होगा वो मिक्स होगा, तो ब्लड कौन से कलर का हो जाएगा? रेड। हम नॉर्मली ब्लड आता है तो रेड कलर का नहीं होता है, वो ब्लैकिश होता है ओके, थोड़ा डार्क कलर का मरून टाइप का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन अभी नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ओके, कार्बोनेटेड ओके। तो क्या होगा नॉर्मली कि इसका लंग्स का काम ये वाला यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो लंग्स के बेस पे होती है, क्योंकि हवा का ऑक्सीजन होगा वो ब्लड के साथ मिक्स करेगा, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस हवा के अंदर भेजेगा, तो इसलिए हम सांस बाहर छोड़ते ओके। इनहेल एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन अकेला नहीं जाता, एयर जाएगी पर हार्ट जो लंग्स होगी वो क्या करेगा ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करेगा ओके। तो सिंपल चीज समझो कि ऑरिकल्स में जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है ओके, तो वेंट्रिकल वाला उसे पुश करेगा, क्या करेगा?
पुश करेगा, तो उसके पाइप थ्रू वापस क्या करेगा, यहाँ से ब्लड यहाँ पे इस चैम्बर में आता है, फिर इस चैम्बर के अंदर जाते हैं, ओके, इस चैम्बर के अंदर जाएगा तो फिर ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब ये वेंट्रिकल क्या करेगा, उसे पुश करेगा, जैसे हम किसी ये वाला चीज थी उसे दबाएंगे ब्लड आगे बढ़ेगा, तो वैसे ही इधर के साथ ये पुश करेगा। अब ये वाल्व तो बंद हो जाएगा, वाल्व बंद हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, इसीलिए जो पाइप होगी जो आर्टरीज या वेन्स होगी उससे ब्लड होगा वो ऑर्गन तक या लंग्स तक ट्रांसफर होगा, ओके। तो ये पुशिंग की प्रोसेस होती है, वो पुशिंग की प्रोसेस की वजह से क्या होता है वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए अंदर भरा हुआ जो ब्लड होता है वो आगे ट्रांसफर होता है। अब समझते हैं किस तरीके से, तो समझो कि हार्ट के अंदर अभी है आया कार्बोनेटेड ब्लड, ओके, शुरुआत यहीं से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया। अब मैंने जैसे बताया कि हार्ट से लेके ऑर्गेन तक कौन सी चीज बेचती है, आर्टरी, तो ये हार्ट है और वहां से ऑर्गेन तक ब्लड जाएगा, कौन सा वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो इसे बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ओके। तो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो ब्लड होगा वो ट्रांसफर करके हमारे लंग्स तक पहुंचेगी, भेजेगी, ओके। अब लंग्स तक तो ब्लड भेज दिया, अभी तो लंग्स क्या करेंगे, इसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या करेंगे निकालेंगे, और ये ऑक्सीजन होगा वो ब्लड के अंदर मिक्सअप करेंगे। तो अभी ऑक्सीजन हो गया, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसके अंदर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो ऑर्गेन टू हार्ट, कौन सी चीज लगाती है, ऑर्गेन टू हार्ट वेन, तो पल्मोनरी वेन होगी वो इस हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उससे ले जाएगी हार्ट। अब हार्ट के ऑर्गन उसमें भर गया, ओके, एट्रियम के अंदर भर गया ब्लड, और फिर वो जाएगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो वेंट्रिकल वापस पुश करेगा, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो कहां जाएगा, वापस ऑर्गन के अंदर जाएगा, ये ब्लड बचा है ऑक्सीजन वाला, कहां से आया था, लंग से आया ऑक्सीजन वाला ब्लड, और फिर यहां से होके वापस ऑर्गन तक जाएगा। ये क्या है, ये हमारे ऑर्गन है, इसका मतलब किडनी, ये क्या है, इसका मतलब ऐसे किडनी है, स्टमक है, फिर उससे भी सारे ऑर्गन समझो कि लीवर है, पैंक्रियाज है, लेफ्ट सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट इंटेस्टाइन, ओके, तो बहुत सारे ऑर्गन होंगे, हर ऑर्गन की तरफ ब्लड जाएगा, हमारा ब्रेन है, हर ऑर्गन की तरफ ब्लड ऑक्सीजन वाला जाएगा। अभी ऑर्गन होगा वो ऑक्सीजन हमारे हमारी एनर्जी जनरेशन के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है, तो ये ऑक्सीजन का यूज करेगा और वेस्ट मटेरियल के साथ सारे जो ऑर्गन होंगे जो क्या होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट पॉइजन चीजें होती है उसे मिक्सअप करेगा ब्लड के साथ, उसे बाहर निकालना है, गैसेस समझो या फिर स्वेट समझो, ओके, हम पसीना करते हैं तो ये अंदर से क्या निकलता है, पसीना आता है तो खाराश होती है, ओके, कभी कभी इचिंग होती है, ओके, तो ये सारी चीजें होगी वो ब्लड के अंदर वो मिक्सअप करेगा, सारे ऑर्गन जो उनको चाहिए अनवॉन्टेड चीजें होगी वो ब्लड के अंदर मिक्सअप करेंगे। अभी वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्लड होगा, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्लड होगा, तो अभी जो दूसरी चीजें पॉइजनस होगी वो क्या करेगा, सर्विस ये सारे जो क्या स्वेट ग्लैंड्स और वो होगी वहां तक पहुंचाएगी और वो सब चीजें निकल जाएगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो हार्ट तक पहुंचेगा और हार्ट क्या करेगा, वापस उसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा उसे पंप करके वापस लंग तक पहुंचाएगा, लंग क्या करेगा, वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेगा, ऑक्सीजन को मिक्स करेगा और वापस आएगा, तो ये सर्कुलेशन होगा वो चलता रहेगा कहां से, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला लंग तक, लंग से वापस ऑक्सीजन वाला हार्ट तक, हार्ट से ऑर्गन ऑक्सीजन वाला ऑर्गन तक, और ऑर्गन से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला हार्ट तक, तो ये पूरी प्रोसेस होती है कंटिन्यू रहती है जिसे बोलेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओके। ऑर्गन टू हार्ट मतलब ये वाला होगा वो किससे होगा, वेन से होगा, ओके, ये ऑर्गन टू हार्ट जाएगा ब्लड तो किससे जाएगा, वेन से, हार्ट टू ऑर्गन जाएगा तो किससे जाएगा, आर्टरी से जाएगा, ओके। सो ये चीजें हो गई आर्टरीज एंड वेन। अभी हार्ट इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे बहुत सारी बीमारियों की वजह से हार्ट होता है वो फेल हो जाता है या हार्ट पंप नहीं करता है या ऐसे, तो ऐसे लोगों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है जो लास्ट संडे ऑफ सितंबर, क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है लास्ट डे ऑफ सितंबर, ओके। अब आपके पास बहुत सारे ऑर्गन थे पीछे क्या दी हुई है कि अलग एक ब्रेक टेबल दिया टेबुलर फॉर्म के अंदर दिया है कि भाई डाइजेस्टिव ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, तो ये वेन्स है, आर्टरीज है, हार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं जो सर्कुलेटरी
ऑर्गन्स बोलते हैं। फिर लंग्स है, नोज है, ट्रेकिया है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, तो वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होते हैं। फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर समझो कि माउथ है, टंग है, फिर एसोफेगस है, ये सारी चीज किसमें आएगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगी, क्योंकि वो डाइजेस्टिव के लिए होता है। तो यहाँ पे वो टेबुलर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है कि कौन सी चीज कौन से सिस्टम की है। फिर नर्वस सिस्टम क्या आएगा, ब्रेन है, ओके ब्रेन है। और फिर स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या आएगा, हड्डियां जो सारी होती है, जैसे कि रिब हो गया, स्कल हो गया, फिर ये एंकल वाली होगी, सॉरी ये शोल्डर हो गया, ये पाप हो गया, और वो सब आएगा स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएगा, पाप है। फिर तो ये सारे सिस्टम होती है, ऑर्गन सिस्टम होती है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन आते हैं। वहां पे लिखा है कि कंबाइन द डॉटेड फिगर ऑफ अ हार्ट गिवन बिलो, तो जो आपके पेज नंबर 100 में हार्ट की फिगर होगी ही हुई है, वहां पर उसका आपको डॉटेड कंबाइन करके हार्ट बनाना है। ओके सो हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके कैन सी द फिगर, ओके अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड इफ यू आर देन देन आल्सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन आस्क मी एनी टाइम यू वांट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, न्यू चैप्टर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।